इसमें पता आपको दिखाऊं मैं एक चीज, देखिए गाइस में बियर वगैरह रखी हुई है जो मैं पीता ही नहीं। कितना शानदार रूम है, बेड आपका बहुत ही लग्जरियस रूम ये आपकी देख सकते हैं। जैसे ही आप माउंट आबू में घुसेंगे, ये पहली टनल पड़ती है इसकी माउंट आबू की, पर पहुंच जाएंगे फिर होटल्स वगैरह देखते हैं, वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं माउंट आबू का। वेदर अच्छा खासा है, 25 डिग्री अप्रॉक्स टेम्परेचर है। कैसे अमित भाई, ऐसे ही होगा टेम्परेचर? ऐसे ही होगा भाई, 23। ओ भाई 23, गजब, मतलब ठंड होगी अच्छी खासी। आप देख सकते हैं ये सेकंड टनल है माउंट आबू की। मैं इसका भाई, इसमें तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं है भाई। तो ये रहा पहला माउंट आबू का टोल। आप देख सकते हैं काफी शानदार बना हुआ है, काफी अच्छा है। क्या सही भाई, इसमें पड़ा हुआ है कितना है? 200। क्यों इसमें रीड क्यों नहीं कर रहा है? रीड क्यों नहीं कर रहा है इसमें? वो तो भैया बता नहीं, तेरा तो नहीं है करने वाला, मशीन नहीं है, वो लेता नहीं वो, मशीन लगा लो। हां मशीन नहीं है, मशीन नहीं है, रुक जाओ तेरा। चलो भाई रीड ही नहीं कर रहा, फास्ट टैग यहां पे पता नहीं क्या है। चलो 200 रुपए कैश दे रहे हैं, ठीक है अभी देता हूं। आप देख सकते हैं ये माउंट आबू का पहला टोल था और ये बना हुआ है। तो ये हम लोग होटल आ चुका है, क्या बात है यार, होटल बना हुआ है, क्या बना हुआ है भाई, एक नंबर। देख सकते हैं आप क्या व्यू है भाई, ये 4-star होटल है। आपको रूम टूर अपने कराते हैं। तो ये माउंट आबू में बहुत ही शानदार रूम लिया है मैंने, और काफी अच्छा खासा रूम है, विला है एक तरीके से, और बहुत ही अच्छा वैली व्यू है इसका पीछे साइड से, और गार्डन व्यू है आगे साइड से। चलिए रूम आपको दिखाता हूं मैं, देखिए ये रहा रूम, कितना शानदार रूम है भाई। ये रहा बेड आपका, बहुत ही लग्जरियस रूम आप कह सकते हैं। ये ड्रॉअर वगैरह दी गई है इसमें, इसमें मैंने अपना ब्लेजर वगैरह इसमें डाल दिया है, और यहाँ पे लगेज वगैरह रखने के लिए दिया गया है। और ये रहा बेडरूम, ये आपको साइड टेबल्स वगैरह दी गई हैं, और साइड में फ्रीजर वगैरह दिया गया है। इसमें पता आपको दिखाऊं मैं एक चीज, देखिए गाइस में बियर वगैरह रखी हुई हैं जो मैं पीता ही नहीं हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये सारी देख सकते हैं आप। भाई सुमित भाई जाने क्या कर रहे हैं। और ये साइड में एक सोफ़ा टेबल वगैरह दिया गया है, यहाँ पे आप साइड में बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने, हम लोगों ने, दिखाता हूँ वॉशरूम भाई साहब, एक नंबर वॉशरूम है। देखिए होटल है, आप स्टे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वाइब्स आती हैं। अभी नीचे दिखाएंगे चल के आपको, रात में 11 बजे तक प्रोग्राम्स वगैरह चलते रहते हैं। व्यू व्यू भाई साहब, व्यू देखिए आप, देखो अपनी गाड़ी, वो रही अपनी गाड़ी। काफी शानदार मौसम है, और कल आपको अपडेट देते हैं, बढ़िया मजा आने वाला है, खूब अच्छा खासा। चलिए गाइस, चल तो गाइस तैयार हो गए, अब चलिए डिनर करते हैं चल के, और जो है आपको दिखाते हैं नीचे का नजारा। बॉडी ठीक ठाक बन गई है यार, सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉन्ग वॉन्ग की व्यवस्था भी है भाई उस होटल में, काफी अच्छा नजारा है यहाँ पे, खाने पीने के डिनर की व्यवस्था है पूरी। कुछ सॉन्ग वॉन्ग आ रहे हैं भाई, देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे गार्डन वगैरह है, यहाँ पे रिजर्व सीट्स वगैरह हैं, ये अपन हम लोगों ने करवा रखी है यहाँ पे, यहाँ बैठेंगे अब हम लोग। ये गार्डन व्यू है पूरा आपका, राइट नाथ का गार्डन व्यू है नाइट का, देख सकते हैं आप भाई, बहुत अल्टीमेट है। इधर देखो,
चलिए देखिए हम लोगों की एग करी आ गई है। ये एग करी है, ये हम लोगों ने करी थी हांडी पनीर। हांडी पनीर है ये हांडी पनीर है, ये पापड़ है हम लोगों के। भाई तब से ये पापड़ ही खा रहे हैं यार, बहुत देर बाद आ पाई यार। ये लोगों रोटी आ गई है। चलिए हम लोग डिनर एंजॉय करते हैं, आप लोग भी खाइए, मौज काटिए जिंदगी में। चलिए गाइज, आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और तब तक लिए राम राम सभी भाइयों को, और जैसा हो अपडेट आपको देते रहेंगे नेक्स्ट व्लॉग की। नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी आने वाला है गाइज। भाइयों को व्लॉग पसंद आएगा लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।